स्कूल में भ्रष्टाचार का एक नया जुमला उठाना शुरू किया है। इन्होंने पहले शराब 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 चिल्लाते रहे ये लोग। उसके पहले अगर आपको याद होगा, पहले बोलते रहे जी पार्टी में चंदा लिया है, गड़बड़ कर रखी है। फिर बोले कि सीएम के ऑफिस में गड़बड़ हुई है, इन्होंने सीएम के ऑफिस में सीबीआई रेड की। फिर मेरे घर पे सीबीआई की रेड की इन्होंने 4 साल पहले। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने 40 एमएलएज के खिलाफ फर्जी एफआईआर कराते रहे, हर एक में कुछ नहीं निकला। फिर मेरे घर अब इन्होंने शराब का तथा कथित घोटाला, फर्जी एफआईआर, उन सब की नौटंकी की, फिर रेड की, वहां भी कुछ नहीं निकला। अब इनको समझ में आ गया कि वहां से तो कुछ नहीं निकल रहा। अब इन्होंने कल से एक नई कहानी रचनी शुरू की है कि साहब स्कूल बनाने में घोटाला हो गया है, स्कूल बनाने के लिए गड़बड़ी की गई है स्कूल बनाने में। मैं इनकी चाल समझता हूं और आज आपके सामने भी रखना चाहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने मेरे घर पर रेड डाली, अभी तक 10 दिन में इन्होंने बताया नहीं कि क्या निकला मेरे घर से। मेरे घर से यही निकला होगा, कुछ स्कूलों के नक्शे, कुछ स्कूलों के कागज, कुछ बच्चों के कागज। जितने भी ये आरोप लगा रहे हैं सारे झूठे हैं। और मैं स्कूल के बारे में भी कहता हूं कि जितनी ये बकवास कर रहे हैं सब झूठ है। सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है कि दिल्ली में शानदार स्कूल बने हैं। दिल्ली में हम सब गर्व के साथ कहते हैं कि दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हैं जितने बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी नहीं होते हैं। आज इनकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है। अब इनकी साजिश है कि किसी तरह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बंद किया जाए। इनको यह हजम नहीं हो रहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार चल रहे हैं, शानदार बन गए और शानदार चल रहे हैं। ये अनपढ़ गंवार लोगों की पार्टी है और ये पूरे देश को अनपढ़ और गंवार रखना चाहती है। इनको बिल्कुल प्रॉब्लम हो रही है इस बात से कि कैसे हो सकता है कि हर एक बच्चे के लिए अच्छा सरकारी स्कूल बन जाए। इनकी जहां जहां सरकार है, इन्होंने सारे राज्यों में अपने में सरकारी स्कूल बंद किए हैं पिछले 5-6 साल में, जब से लोग 7 साल से आए सरकार में। मैं रखूंगा उसका डेटा आपके पास में, लेकिन मैं बात बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि इनका स्कूलों के करप्शन वरप्शन में इंटरेस्ट नहीं है। स्कूलों के और इन सब के करप्शन में इंटरेस्ट होता तो मैं कई बार आपके सामने रख चुका हूं। कल सीएम साहब ने भी 5 मुद्दे रखे कि भाई उस पर जांच करो ना। अब कह रहे हैं स्कूलों में भ्रष्टाचार हो गया, उसकी जांच कर रहे हैं। कर लो जांच, लेकिन इसकी भी जांच करो कि पूरे देश में सरकारी स्कूल जब से आप सत्ता में आए हो क्यों बंद हो रहे हैं। आज 2014 से इनकी सरकार है देश में, 2014 से लगातार इन्होंने देश भर में सरकारी स्कूल बंद किए हैं और यह कह के बंद किए जी सरकारी स्कूल नहीं चल सकते, प्राइवेट स्कूल खोलने पड़ेंगे। सरकारी स्कूल का मॉडल फेल हो गया, प्राइवेट स्कूल का मॉडल चलाएंगे। दूसरी तरफ दिल्ली ने एक मॉडल दिया है कि सरकारी स्कूल ना सिर्फ ठीक हो सकते हैं बल्कि बहुत अच्छे चल सकते हैं और बच्चों का शानदार भविष्य दे सकते हैं। हकीकत यह है कि आज देश के करीब 80% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और ये चाहते हैं कि इस तरह की बकवास करके, इस तरह की फर्जी एफआईआर करके, इस तरह की फर्जी जांच करके, इस तरह के फर्जी आरोप प्रत्यारोप लगा के ये सरकारी स्कूल ना बनने दें और सरकारी स्कूलों को बंद करने का जो इनका मिशन चल रहा है उसको आगे बढ़ाते रहे। लेकिन दिल्ली ने एक कॉन्फिडेंस दिया है पूरे देश को, पूरी दुनिया को, कि सरकारी स्कूल शानदार बन सकते हैं, शानदार चल सकते हैं, बच्चों का अच्छा भविष्य बना सकते हैं। अब जो इनकी ये नई नौटंकी शुरू हुई है कि सरकारी स्कूल में भ्रष्टाचार हुआ है, ये मुख्यतः मुझे डर है कि ये सरकारी स्कूल दिल्ली के भी बंद करवाना चाहते हैं, क्योंकि इनको इस बात से डर लग रहा है कि अगर देश को ये बात समझ में आ गई कि सरकारी स्कूल चल सकते हैं तो इनका ये जो मॉडल है कि सरकारी स्कूल बंद करो और प्राइवेट स्कूल खुलवाओ, ये इस पर क्वेश्चन उठने लगेंगे। इसलिए ये जानबूझ के चाहते हैं कि अब दिल्ली के सरकारी स्कूल बंद हो जाएं। जब से 2014 से ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में है केंद्र की,
और ये मैं बहुत ऑथेंटिक डेटा आपके सामने रख रहा हूं, यूडाइस इन्हीं की वेबसाइट है जिसपे एजुकेशन का स्कूलों का डेटा रखते हैं, उसको उठा के देख लीजिए 2015 से 2021 तक इन्होंने 72,000 से ज्यादा स्कूल, सरकारी स्कूल बंद करवाए हैं पूरे देश में जब से ये लोग सत्ता में आए हैं। प्रिसाइजली मैं कहूं 72,747 सरकारी स्कूल इनके राज में बंद कराए गए हैं। ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा देश प्राइवेट स्कूलों पर डिपेंड हो जाए, और प्राइवेट स्कूल जिसको केवल और केवल 20% बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, 80% बच्चे एकदम बर्बाद हो जाएं। प्रिसाइजली ये सारा मीडिया रिपोर्ट से ही, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, आप लोगों ने मीडिया ने खूब दिखाया इनकी वेबसाइट्स को, इनकी वेबसाइट से निकले हुए डेटा को। केवल सितंबर 2018 से सितंबर 2019 के बीच एक साल में इन्होंने पूरे मिशन मोड में काम करते हुए 51,000 स्कूल बंद किए हैं, 51,000 तो एक साल में बंद किए हैं। पूरे दौर में इन्होंने 72,747 स्कूल बंद किए, इनमें से 26,000 स्कूल तो यूपी में बंद हुए, 22,000 स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हुए, 1,100 स्कूल इन्होंने उत्तराखंड में बंद किए, और प्राइवेट स्कूल कितने खुले? प्राइवेट स्कूल बंद नहीं हो रहे, जहां जहां ये सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं वहां वहां प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, और वो प्राइवेट स्कूल इन्हीं के नेताओं के, यही लोग प्राइवेट स्कूल खुलवा रहे हैं वहां पे। 11,739 ये भी यही रिपोर्ट कह रही है यूडाइस की, जिसको सारे अखबारों ने भी छापा हुआ है, 11,739 करीब 12,000 प्राइवेट स्कूल खुले हैं और 72,000 स्कूल बंद हुए हैं। ये इनका स्कूल मॉडल है। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा मंत्री के रूप में बहुत गर्व से काम करता हूं, और मुझे बहुत गर्व है इस बात पे कि दिल्ली में 2015 से पहले के स्कूल नहीं होते थे, टेंट के स्कूल होते थे, चिड़ियाघर बोलते थे उनको, तीन टप्पर वाले स्कूल होते थे, खड्डे वाला स्कूल बोलते थे। 2015 के बाद से हमने 700 नई स्कूल बिल्डिंग बनवाई है, 700। 2015 के बाद से हमने जो 700 नई स्कूल बिल्डिंग बनवाई है वो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर स्कूल बिल्डिंग बनवाई है, बहुत गर्व है हमें इस बात पे। पहले जो इनका सरकारी स्कूल बनाने का मॉडल था वो लगा हुआ प्लास्टर लगा दो, उसके ऊपर कोई पीली सी कोई खड़िया उससे कलई लगा दो, रोता हुआ स्कूल बनाओ, देखते ही लगे कि सरकारी स्कूल। हमने दिल्ली में कहा कि देखते ही लगना चाहिए कि शानदार सरकारी स्कूल है, इस बात पे हमें बहुत गर्व है। हमें इस बात पे गर्व है कि हमने जो स्कूल बनवाए वो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं। हमने वो तीन टप्पर वाले कमरे नहीं बनवाए, हमने वो प्लास्टर वाले कमरे नहीं बनवाए जिनसे प्लास्टर लटकता रहता है, हमने ऐसे कमरे बनवाए कि जहां आज दिल्ली का कोई भी गरीब से गरीब आदमी का बच्चा, अमीर से अमीर आदमी का बच्चा भी पढ़ने जाए तो उसको गर्व हो सके कि मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हूं, अच्छे दिखने वाले, अच्छे वातावरण वाले स्कूल में पढ़ रहा हूं। शानदार डेस्क पे बिठाते हैं हम अपने बच्चों, आपने भी देखे हैं जाके। इनको इसी में प्रॉब्लम हो रही है, बोले जी भ्रष्टाचार हो गया, बहुत महंगा हो गया, खर्चा कर दिया इन्होंने, खर्चा किया है। ये देश के बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, सरकार के बच्चे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करें। आपकी तरह से नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी से भागो, सरकारी स्कूल बंद कराओ और प्राइवेट स्कूल खोलने का मिशन मोड चला के रखो। जब सरकारी स्कूल खुलेंगे और सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर दिखेंगे, वहां पे पढ़ाई अच्छी होगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो ये 10% 20% बच्चों को केवल प्राइवेट स्कूलों के सहारे छोड़ के और सरकारी स्कूल बंद करने का जो इनका मॉडल है, इससे देश बर्बाद हो जाएगा, और ये वाकई देश को बर्बाद करके रखना चाहते हैं। सीबीआई और ईडी तो इनके बहाने हैं, फिर से नए सिरे से फिर से सर्च करा लो, एक रेड अभी हफ्ते भर 10 दिन पहले कराइए, एक और रेड करा लो, इस बीच में 10 दिन में हो सकता है 4 और स्कूलों की बच्चों की कॉपियां मिल जाएंगी, मेरे घर पे किताबें मिल जाएंगी, यही ऐड हुआ होगा, लेकिन करा लो, आपकी मर्जी है। मैं पिछली उससे नहीं डरा आपकी, अभी क्या डरूंगा, लेकिन नई सीबीआई रेड कराने से पहले जरा ये भी बताएं ये लोग कि जब आप कहते थे पार्टी में चंदा गड़बड़ है 6-7 साल पहले, उस पर भी बड़ी रेड कराई थी, उस पर भी बड़े थाने में चलवाए थे, उसका बताओ उसका क्या हुआ।
आपने सीएम के ऑफिस में रेड कराई थी, बोले बड़ा भ्रष्टाचार है यहां पर, उसका बताओ उसका क्या हुआ? उसमें कुछ निकला? नहीं निकला। कुछ कर पाए उसमें? नहीं कर पाए, क्योंकि फर्जी था। मेरे घर पे 4 साल पहले सीबीआई रेड कराई, बोले जी फेसबुक को विज्ञापन दे दिया बिना टेंडर के। अरे फेसबुक तो एक ही कंपनी है, उसको ही जाएगा। बोले जी यही गड़बड़ है। उसके बाद सीबीआई रेड कराई, क्या निकला? कुछ नहीं निकला, लिख के देना पड़ा जी, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं निकला। 40 MLAs के खिलाफ कराया, उसमें क्या निकला बताओ देश को? ये हर वक्त सीबीआई ईडी रखते रहते हैं ना, थोड़ा स्कूल भी रख लो, ज्ञान हो जाएगा, थोड़ा सा शांत हो जाएगा मन। स्कूल की बात सोचोगे तो बच्चों के बीच में रहोगे तो थोड़ा और दिमाग शांत हो जाएगा। मैं तो जाता हूं, बच्चों के बीच में जाता हूं, अच्छा लगता है। 24 घंटे सीबीआई ईडी इनको यही करना आता है, किसी के यहां सीबीआई की रेड डालने आती है, किसी के यहां ईडी की रेड डालने आती है, और स्कूल बंद कराने आते हैं। हमको स्कूल बनवाने आते हैं, हमको स्कूल चलाने आते हैं, हमको स्कूल खुलवाने आते हैं। हम वो करते रहेंगे, आपको जो आता है वो कर लो। मैं अभी भी एक नजफगढ़ से आ रहा हूं, नजफगढ़ में एक बहुत शानदार सरकारी स्कूल जो देश में अपने आप में यूनिक है, पूरे देश में आपको ऐसा स्कूल देखने को नहीं मिलेगा, जहां बच्चे यूनिफॉर्म पहन के एनडीए में जाने की तैयारी कर रहे हैं और अपनी 9वीं 10वीं 11वीं की पढ़ाई कर रहे हैं। मैं चाहूंगा किसी दिन आप भी जाइएगा वहां पर, बड़ा अच्छा वातावरण है। हमको वो आता है, हम वो कर रहे हैं, इनको स्कूल बंद करवाने आते हैं, वो कर रहे हैं। धन्यवाद। इन्हीं की कंप्लेंट है, इन्हीं के किसी नेता ने कंप्लेंट कर रखी है, इन्हीं के जांच अधिकारी हैं, अब कर ले जांच, कोई मामला नहीं है। शानदार स्कूल बनवाए, अब ये कह रहे हैं शानदार क्यों बनवाए, रोते हुए बनवाने चाहिए थे। ज्यादा टॉयलेट क्यों बनवा दिए, कम टॉयलेट बनवाने चाहिए थे, मजाक है यार। खूब करें, इनको रेड के अलावा कुछ आता नहीं। हम देश को तैयार कर रहे हैं और स्कूलों के लिए, शानदार स्कूलों के लिए, देश तैयार हो रहा है शानदार स्कूलों के लिए, ये लोग तैयार हो रहे हैं और रेड करने के लिए, जिसको जो आता है वो करता नहीं। सर, सीबीसी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि लागत के लिए अनुमति दी गई थी उससे बहुत ज्यादा, 1300 करोड़ में पूरा ये बना है, जितने क्लासरूम बनने चाहिए उतने नहीं बने, क्या है इसकी सच्चाई? कुछ सच्चाई नहीं है इन सब चीजों में। सरकार आज कमरा बनवा रही है, जब हम और सीएम साहब और सत्येंद्र जैन जी और हम सब लोग देखने जाते थे, आप लोग भी बहुत सारे देखने आए थे, जब कमरे बनवाने शुरू किए तो वहां लगा यार इसमें बढ़िया टाइल लगनी चाहिए, बढ़िया डेस्क आनी चाहिए, शानदार टॉयलेट्स होने चाहिए, कीमत बढ़ गई। अब आप अच्छा स्कूल बनवाओगे तो कीमत लगेगी, आप रोते हुए बनवाओगे उसमें भ्रष्टाचार करोगे तो कीमत नहीं, रोता हुआ स्कूल बनेगा। हमने शानदार स्कूल बनवाए हैं और हमें गर्व है इस बात पे कि हमने अपने बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनवाए हैं। अगर ये लोग मुझे इस बात के लिए फांसी भी चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ाएं कि दिल्ली में शानदार स्कूल क्यों बनवाए गए, मैं कहूंगा कि हाँ मैंने बनवाए। कुछ नहीं निकला उसमें, अब नया चैप्टर खोल दिया, इसमें भी कुछ नहीं निकलना। जाओ जाके देखो किसी, मतलब कुछ तो कर्म कर लो यार। सुबह से मैंने पहले भी कहा था कि जितनी मेहनत ये लोग अपनी पूरी पार्टी की बुद्धिजीवियों को बिठा के जितने भर भी हैं इनके पास, सुबह से शाम तक इसमें करते हैं कि यार स्कूल बनवाने में सीबीआई, इसमें सीबीआई, उसमें सीबीआई, उससे कम मेहनत में अच्छे स्कूल बन जाते हैं और उससे कम मेहनत में अच्छे स्कूल चल जाते हैं। इतने सारे राज्यों में सरकार है, ये सरकारी स्कूल क्यों बंद कर रहे हो? सरकारी स्कूल खुलवा लो, अच्छा लगता है देश में सरकारी स्कूल देख के। मनीष जी, उपराज्यपाल दफ्तर में 47 फाइल सोर्सेज से खबर आई है, लौटा दी है, कह रहे हैं कि केजरीवाल साइन नहीं करते फाइल पे और अप्रूवल मुझसे मांगी जाती है। एलजी साहब, अब उनका अपना सुर्ख है, हमें लगता है कि एलजी साहब को यह समझना चाहिए कि देश में सरकारें चल कैसे रही है। बहुत रूटीन प्रैक्टिस है, बहुत रूटीन प्रैक्टिस है। आप भी पत्रकार हैं, आप भी हजारों लोगों से देखते हैं, जानते हैं, किसी से पूछ लीजिए, पूछिए किसी से कि क्या ये जो, जैसे अब मैं स्कूलों की बात कर रहा हूं तो ये तो हेडमास्टर का काम होता है, बच्चे की कॉपी में देखना, अच्छा तूने यहां कॉमा नहीं लगा रखा, यहां फुल स्टॉप नहीं लगा रखा, ये तो हेडमास्टर का काम होता है। ये एलजी साहब है, थोड़ा एलजी की तरह बिहेव करें।